हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड तीन टेस्ट मैचेस की सीरीज स्टार्ट हो रही है 2 जून से। पहला मैच खेला जाएगा लॉर्ड्स में, तो बात करते हैं कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये है MSP वीडियो मैच स्टैट्स प्रीव्यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से कर दो, क्योंकि MSP में वो सब कुछ होता है जो मैच से पहले आप जानना चाहते हो। अभी आपको और टाइम मिलूंगा, स्टार्ट करते हैं। पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड अपना प्लेइंग 11 अनाउंस कर चुका है, तो किस किस ने जगह बनाई है प्लेइंग 11 में? जैक रॉली के साथ ओपनिंग करेंगे एलेक्स लीस, फिर आएंगे ऑली पॉप, उनके बाद नंबर आता है जो रूट का, जॉनी बेस्टो, बेन स्टॉक्स कैप्टन, बेन फॉक्स, उनके बाद आएंगे मैथ्यू पॉट्स, जैक लीश, स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जेम्स एंडरसन। तो अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की। डेवॉन कॉनवे के साथ ओपनिंग करेंगे टॉम लेथम, फिर नंबर आता है कैप्टन कीन विलियमसन का, उनके बाद आएंगे विलियम, हेनरी निकॉल्स, कॉलिन डी ग्रैंडहम, टॉम ब्लंडन, काइल जेमिसन, टिम साउथी, मैट हेनरी या फिर ट्रेंट बोल्ट। इन दोनों में से कोई एक होगा प्लेइंग 11 में, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट का जो IPL था बहुत लंबा रहा, फाइनल तक टीम पहुंची, तो शायद रेस्ट ले सकते हैं। और लास्ट में आएंगे नील वैगनर। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें 107 टाइम्स एक दूसरे के आमने सामने हो चुकी हैं, जहां पर इंग्लैंड जीता है 48 टाइम्स, 12 टाइम्स जीता है न्यूजीलैंड और 47 टेस्ट मैचेस रहे हैं ड्रॉ। अब अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की इंग्लैंड में, जहां पर ये टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, तो यहां पर 56 टाइम्स ये दोनों टीमें हुई हैं आमने सामने, 30 टाइम्स जीता है इंग्लैंड, 6 टाइम्स जीता है न्यूजीलैंड और 20 मैचेस रहे हैं ड्रॉ। अब बात करते हैं इंग्लैंड का रिकॉर्ड लॉर्ड्स में कैसा है, जहां पर पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। 139 मैचेस खेले, 55 मैचेस जीते हैं, 33 मैचेस हारे हैं और 51 मैचेस रहे हैं ड्रॉ। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड की लॉर्ड्स में। 18 मैचेस खेले हैं, 1 मैच जीते हैं, 8 मैच हारे हैं और 9 मैचेस रहे हैं ड्रॉ। लेट्स टॉक अबाउट द माइलस्टोन्स दैट दीस फॉलोइंग प्लेयर्स वुड अचीव इन दिस मैच। डेवॉन कॉनवे रिक्वायर्स 6 फोर्स टू कंप्लीट 100 फोर्स इन टेस्ट मैचेस। नील वैगनर रिक्वायर्स 6 विकेट्स टू कंप्लीट 250 विकेट्स इन टेस्ट मैचेस। जेम्स एंडरसन नीड्स 1 कैच टू कंप्लीट 100 कैचेस इन टेस्ट मैचेस। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए जो रूट को चाहिए सिर्फ 111 रन। बेन स्टॉक्स इज 4 ग्रैब्स अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग 150 कैचेस across formats. Joe Root requires 8 runs to complete 1,000 test runs against New Zealand. Stuart Broad requires 9 wickets to complete 350 wickets at home in test matches. D. Graham Home is also 2 wickets away from completing 50 wickets in test matches. It's time for the most interesting part of the video, players battle. Kane Williamson vs Stuart Broad. Kane Williamson ने Stuart Broad की 455 deliveries को face किया, 156 runs किए and 4 times Stuart Broad got the best out of him. Tom Latham vs Stuart Broad. Tom Latham ने Stuart Broad की 255 deliveries को face किया, 118 runs किए और 8 बार Stuart Broad ने विकेट लिया है Tom Latham का. Kane Williamson vs James Anderson. Kane Williamson ने James Anderson की 351 deliveries को face किया, 134 runs किए और 7 बार James Anderson ने विकेट लिया है Kane Williamson का. Joe Root vs Tim Southee. Joe Root ने Tim Southee की 427 deliveries को face किया, 180 runs किए और 5 बार Tim Southee ने विकेट लिया है Joe Root का. Ben Stocks vs Tim Southee. Ben Stocks ने Tim Southee की 201 deliveries को face किया, 159 runs किए और 3 बार Tim Southee ने Ben Stocks को pavilion का रास्ता दिखाया. तो गाइस, हमने बात की हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, माइलस्टोन्स, प्लेयर्स बैटल। आपको क्या लगता है कौन सी टीम बाजी मारेगी? क्या इंग्लैंड नए कैप्टन बेन स्टॉक्स की कैप्टेंसी में पहली जीत दर्ज करेगी या फिर न्यूजीलैंड मारेगा बाजी? Do let us know in the comment section below. So it's time for me to take you leave. Hope you guys like this video. अगर ये वीडियो पसंद आई तो please don't forget to like, share and comment. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल विजिट नहीं किया तो एक बार जरूर होकर आना और हमें हमेशा अपनी दुआ में याद रखना. मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में. Till then, take care, have a nice day.